Alibi News & Muse. I'm Sohini. I'm Lavanya. And introducing for the first time is our very own new member of News & Muse. She's called Royally. And we have माला दिया. You will get to know why. So today's topic was synonymous with this. It's called Unnatural Nature. And Lavanya has got a great story. Actually not great. It's kind of pathetic. भाई मतलब एक दिन ना मैं ऐसे मार्केट में जा रही थी और वहां मुझे बहुत बड़ा साइज स्टोर दिखाई दिया और वहां पे ना पौधे बिक रहे थे. एक तो पौधे बिक रहे थे और दूसरा वो प्लास्टिक के थे. तो भाई मतलब मेरे साथ ट्रिगर सा हो गया बहुत ज्यादा क्योंकि मतलब मैं ऐसे गार्डनिंग मतलब मैं थोड़ी सी गार्डनिंग करती हूँ ना तो प्लास्टिक के पौधे देखकर ना और भी बुरा लगा क्योंकि एंड यू नो वी ऑल फॉल इनटू दैट क्योंकि वो एक जनरेशनल एबनॉर्मल कल्चरिंग है कि मतलब इट्स नॉर्मल टू हैव फेक प्लांट्स अराउंड व्हिच इज it's worse than taxidermy which is even natural. वो तो none of the fake plant is natural. हाँ मतलब पूरा purpose ही define हो जाता है कि जब आप plastic के पौधे बनाते हो मतलब इसमें हर एक शब्द में listen to it हर एक शब्द में इतनी negative feel है ना मतलब मैं क्या बताऊँ. हाँ it just it breaks your heart every time I see them. It's just कि I understand कि business proposition है fake plants का और मतलब लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि उनकी इवेंट मैनेजर है वो इवेंट के क्रिएटिव डायरेक्टर है तो उनको फेक प्लांट चाहिए क्योंकि वो ड्यूरेबल रहता है उसका मेंटेनेंस इजी है और वो हर साल एक ही जैसा दिखता है क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है. इट्स लाइक दे डोंट इवन रिस्पेक्ट द होल लाइफ टाइम ऑफ अ प्लांट. इट्स जस्ट लाइक अस इफ पीपल टॉलरेट अस फॉर एवरी एज दैट वी आर इन व्हाई शुडंट वी डू दैट सेम विद द प्लांट. वी जस्ट वांट टू फाइंड द डेड रिप्लेसमेंट फॉर इट एवरी टाइम. मतलब हम लोग एक ऐसे इंटरडिपेंडेंट इकोसिस्टम में रहते हैं तो हमें एक दूसरे की लाइफ को रिस्पेक्ट तो करना चाहिए. उस एक कोई भी पौधा है छोटा सा उसकी पूरी लाइफ है और अगर हम उसके सड़े हुए पत्ते को देखकर ये बोल रहे कि ये पौधा खराब हो गया तो कोई सेंस ही नहीं बना रही है वो बात. हाँ बिकॉज व्हेन आई लुक एट इट मेरे को चिंता होती है. हाँ मतलब कि क्या हेल्थ का क्या है. पर मतलब एक नेचुरल प्रोसेस ही तो है ना वो. मतलब आपके नाखून आते हैं नाखून काटते हैं पौधे के भी पत्ते आते हैं फिर वो झड़ जाते हैं तो नेचुरल है वो उसकी लाइफ साइकिल है. तो उसकी लाइफ साइकिल को क्योंकि हमें उसकी लाइफ साइकिल का वो पार्ट नहीं चाहिए तो हमने उसका एक नकली सर्विस बना दिया. कोई इवेंट मैनेजर चाहते हैं या फेक प्लांट क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं करते एक प्लांट की लाइफ को. और तू ये सोच कि मतलब लोगों की शादी होती है ऐसे कम्युनिटी हॉल जो बहुत ही अननेचुरल कंडीशन में होते हैं ऑलरेडी मतलब पत्थरों की दीवार है और मतलब एकदम स्टोन लगा हुआ है वॉल में और फ्लोर में भी और उसमें से वो दिखा रही थी ऐसे फूल निकल रहे हैं और पत्ते निकल रहे हैं. सच एन अननेचुरल कंडीशन टू बी एंड हाउ फोनी ऑफ यू टू हैव ऑल दिस फॉर द सेक ऑफ फोटोग्राफ्स. मेरी फोटो नेचुरल लगनी चाहिए इसलिए मेरे पास फूल होने चाहिए और पत्ते होने चाहिए. इट डजंट मेक सेंस. यू ऑल वांट टू डू इट जस्ट फॉर द गेटअप. हाँ मतलब हमें हर चीज इतनी परफेक्ट सी चाहिए होनी है ना कि हम चाहते हैं कि किसी की लाइफ जो एक जीता जाता ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ भी वैसी हो जैसी हम देखना चाहते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है. जो उसकी लाइफ साइकिल है वो तो वैसी ही चलेगी ना. और फिर उस बात को बस क्योंकि हमें वो परफेक्ट चाहिए तो हमने उसको अल्टरनेटिव निकाल दिया. ऑल्सो मतलब इट्स लाइक अ डार्क टाइम ऑफ ह्यूमन परसीविंग एस्थेटिक्स फ्रॉम सच अ मायोपिक लेंस. मतलब इसको इतना ज्यादा मतलब यू दे आर नॉट इवन जैसे हमें ऑब्जेक्टिफाई करते हैं सोसाइटी एज अ वुमन. इट्स लाइक वी आर लिटरली ऑब्जेक्टिफाइंग एवरी प्लांट दैट वी कैन. आई मीन ये तो प्लांट एक्टिविज्म पे हो गया बट रीलिंग बैक टू अननेचुरल नेचर व्हाई डू यू वांट सच अननेचुरल स्टफ. मतलब इट्स क्लियर यू जस्ट वांट टू हैव एन इंप्रेशन. हां नथिंग मोर देन दैट बट व्हाट यू आर डूइंग It's just contributing to a never-ending landfill. तो जैसे potted plants होते हैं वो मुझे कैसे pet जैसा ही concept लगता है. मतलब कि आप किसी भी एक organism को एक particular boundary में रखने और चाहते हो कि वो आपकी तरह आपके हिसाब से चले या काम करे या जो भी. और फिर मतलब इतना अजीब सा dilemma है कि भाई साहब जैसे हम society में रहते हैं तो वहाँ पे sufficient पौधे हैं ही नहीं आपके पास तो आप इतने mechanical household में रह रहे हो कि आपके पास मतलब पौधे है ही नहीं. तो एक ऑप्शन क्या रहता है किसी भी इंसान के पास जो कि पौधों से बहुत ज्यादा लगा करता है या फिर जो भी जिसको बहुत ज्यादा मतलब उसको अच्छा लगता है कि उसके आसपास पौधे हों एटलीस्ट तो वो क्या करता है कि वो पॉटेड प्लांट्स लगाता है. मैंने भी लगाया है बट फिर अब धीरे धीरे जब मैं सोच रही हूँ तो फिर
प्लांट्स की अपनी ही अंडर द सॉइल सरफेस एक अपनी ही कम्युनिकेशन का पूरा नेटवर्क होता है, तो उस चीज को सोच के ऐसे लगता है कि हम उस नेटवर्क को ब्रेक कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे पास है ही नहीं पेड़ पौधे सिटीज में इतने ज्यादा, और उसको भी ऐसे लग्जरी दे रहे हैं, मतलब हमारे लिए तो एटलीस्ट, मतलब हम लोग जब ऐसे किसी पॉश इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारी ग्रीनरी होती है, और मे बी हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं तो हमारी सोसाइटी के आसपास जो पौधे हैं या प्लांट है मतलब इस एरिया में तो लैंडस्केप का, लैंडस्केप डिजाइनिंग का कोई स्कोप है ही नहीं, बच्चों के खेलने की जगह ही नहीं है, दे जस्ट वॉन्ट टू मेक स्पेस फॉर पार्किंग क्योंकि हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बट देर इज नो लैंडस्केप, मतलब वो जो बैलेंस होना चाहिए वो है ही नहीं। हाँ, और हम कितना करें, वी कैन जस्ट वी कैन ट्राई टू हैव एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या छोटा सा इकोसिस्टम दैट वी कैन मेक विद द प्लांट्स दैट वी हैव। व्हाट रियली गॉट मी राइल्ड अप अबाउट अननेचुरल नेचर वाज थिंकिंग अबाउट पीपल यूजिंग फेक वाटर बॉडीज इन देयर होम, एंड इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी वेयर पीपल वर लाइक यू एक सेंसोरियल कामनेस के लिए उनको एक वॉटरफॉल और एक फाउंटेन चाहिए विच इज नॉट इवन नेचुरली अकरिंग टू द प्लेस। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगा कि फर्स्ट यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द मतलब जो टोपोग्राफी है या जियोग्राफी है आपकी लोकेशन का वो, पर दूसरी बात ये होती है कि फाउंटेन्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और पानी चाहिए होता है, आपको लगेगा कि हाँ एक ही बार तो पानी ले रहे हैं और वो बार बार फिल्टर और रिसाइकल हो रहा है, बट देन ऑल्सो इट्स जस्ट इट्स ऑफ नो यूज, इट्स जस्ट फॉर यू टू फील काम एंड सेफ, अगर इतना ही था तो फिर आप झरने के पास रह लेते ना। मतलब ये क्या कि पूरा आर्टिफिशियल एक तरीके का आप लैंडस्केपिंग ही कर दोगे। इसका एक्सट्रीम जो पॉइंट लगता है ना वो मुझे लगता है कि वेस्ट साइड में मिडिल क्लास लोग के घर में भी स्विमिंग पूल होते हैं। मतलब इमेजिन, हाँ इमेजिन ग्रोइंग अप विद अ स्विमिंग पूल, ठीक है आई डोंट नो बिकॉज मतलब वी कांट, ठीक है ऑल्सो विद बट द फैक्ट इज कि वो ऐसे जो स्विमिंग पूल होते हैं वो छोटे से होते हैं तो उसमें वो लैब भी मतलब पूरा नहीं ले पाते, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि वो स्विमिंग पूल यूज ही नहीं करते बच्चे, ठीक है वो बस ऐसी खाली एक स्पेस पड़ी हुई रहती है और कभी एक दो दिन मतलब कर लिया स्विम तो ठीक है, ठीक है वरना मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर कम्युनिटी स्विमिंग पूल इज सर्विंग अ पर्पस फॉर यू टू बी हेल्थी और आप शेड्यूल कर सकते हो, मे बी आप हर घर में स्विमिंग पूल ना बना के मल्टीपल कम्युनिटी स्विमिंग पूल बना लो कुछ जो सब जो क्राउड को बैलेंस कर सके, इट वुड वर्क। हर घर में इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी लग रहा है सिर्फ एक स्विमिंग पूल को मेंटेन करने के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन मेंटेन देयर एंड इट्स नॉट इवन हाइजीनिक व्हेन यू डोंट मेंटेन स्विमिंग पूल्स। ठीक है चल ये तो मतलब आर्टिफिशियल वाटर बॉडी का आ गया, लोग जब फेक पॉन्ड्स बनाते हैं और उसमें फिर पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं विद यू नो एडिंग फिश एंड ऑल, इट्स जस्ट इट्स नॉट, हाँ इट्स काइंड ऑफ मीनिंगलेस, इट्स जस्ट फॉर योर प्लेजर, यू कांट बी दैट सेल्फिश, वी आर टायर्ड ऑफ दिस वेरी रूथलेस यूज ऑफ यू नो जस्ट एस्थेटिक ड्रिवन डिजाइन। ये एस्थेटिक्स वाली बात मुझे ये बात याद है कि बहुत सारी जगहों पे ग्लास की बिल्डिंग्स जो है आउटर शेल जो है वो ग्लास का बनने लग गया, तो हमारे जैसे ट्रॉपिकल कंट्री ने भी उस चीज को अपनाने की कोशिश करी, पर ट्रॉपिकल कंट्री में ग्लास के बिल्डिंग्स का कोई सेंस नहीं बन रहा था क्योंकि मतलब इतनी हीट हो जाएगी आपके रूम में और फिर आप उसको हटाने के लिए एसी यूज करोगे और फिर उससे फर्दर और मटेरियल और रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं जिसको कि हम किसी और डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं कोई और मटेरियल यूज करते हैं। आर्टिफिशियल लिविंग कंडीशंस और एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को लेकर मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक था और वो थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, तो ये था कि साउथ एशियन कंट्रीज में यूजुअली पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट होता है वो काफी वोलेटाइल रहता है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो एमिग्रेट कर जाए दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर और उनका ग्लोबल पीस इंडेक्स काफी हाई है जिस कंट्री में वो है उससे, ठीक है तो फिर मतलब ये सारी चीजें वो अपने लिए सोच के रखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मतलब अब हम इस कंट्री में जहाँ पे हम पले बड़े हैं बचपन से उसके नेचुरल कंडीशंस जिससे हम बड़े हुए हैं उनको छोड़ के हम दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में चले जाए जहाँ पे हम अडाप्ट कर पाएंगे, पर हम वहाँ पे चले जाते हैं क्योंकि हमें उस तरीके की बेनिफिट्स मिलेंगी जस्ट बिकॉज पॉलिटिक्स इन आवर ओन कंट्री इज नॉट लेटिंग अस नॉट नर्चरिंग अस, ठीक है तो फिर लोग चले जाते हैं इन सब प्रोस्पेक्ट्स की वजह से कि बाहर में भी उनको ज्यादा
ज्यादा फैसिलिटीज हाँ बाहर उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिल पाए, पर उस वजह से क्या होता है कि दे एंड अप वांटिंग द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें वो बड़े हो, क्योंकि ट्रॉपिकल इंसान जो हमेशा उसी एरिया में बड़ा हुआ है वो एकदम से फ्रांस या बिल्कुल नेदरलैंड जैसी ठंडी कंट्रीज में नहीं कर पाएगा ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ह्यूमंस अडैप्ट वेरी वेल ठीक है, बट मोस्ट ऑफ इट इज ह्यूमंस मेकिंग कंडीशंस फॉर देमसेल्व्स टू अडैप्ट इट. When people emigrate like that, they are perpetuating a very harmful environment crisis, which is using boiler rooms and other stuff to make your dorm and your home warm so that you can survive with it. और मुझे पता है कि ये सारी चीजें बहुत ही difficult होती है सोचना, क्योंकि मतलब it's all over the place and you want what's best for yourself. But the fact is, when we were thinking about कि मतलब अच्छा wow, अगर इस country में free healthcare और मैं जा सकती हूँ मैं क्यों नहीं जाऊँ, बट द फैक्ट इज कि मैं यहीं पे पली बड़ी, वहां पे एडजस्ट करने के लिए मैं और ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा वहां पे मूव करना वाइज है, या मैं यहाँ पे ट्राई करूँ कि यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स है मैं उसकी आराम कैसे मनूवर कर सकती हूँ. और हर बार इट्स नॉट इजी इट्स नॉट, एंड वी डोंट इवन क्रिटिसाइज पीपल हु मूव आउट बिकॉज हर किसी की सिचुएशन अलग हो रही है. तो यही एक चीज है कि मे बी अगर सब ट्रॉपिकल कंट्रीज का पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन अगर इम्प्रूव करें, मे बी पीपल हु वॉन्ट टू गो आउट डोंट फील लाइक गोइंग आउट, फर्दर नॉट क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ कार्बन फुटप्रिंट फॉर दैट, क्योंकि वो फिर होम प्लांट के लिए भी बार बार टू एंड फ्रो ट्रेवल करना, वो भी एयरप्लेन का एक बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट रहता है. इफ यू मेक पीसफुल इनफ कंडीशन फॉर योर पीपल टू लिव इन द कंट्री, then they won't do that such kind of stuff. Haan, we want to live in our country. It's so beautiful. It's so diverse. Culturally, topographically, geographically. geographically. We want to live here. But people who are in power, they have to make space for us. एक और चीज़ याद है कि यार मतलब आजकल एक वो चला ट्रेंड कि हमें चाहिए एक्रेलिक वाले नेल्स और मतलब बहुत शैलो है. हाँ पता है क्यों? नेल्स क्या जो वो मटेरियल होता है ना केराटिन जो बालों का भी होता है, ये डेड सेल्स होती है, पर ये ना दे आर वेरी हार्ड टू डीकम्पोज. मतलब मम्मीज के भी बाल और नेल्स के रेमिनेंट मिलते हैं. ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि नेल्स और हेयर बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वी डोंट इवन नो इफ दे आर, बट फिर आप उसी चीज को एमुलेट करने के लिए और ज्यादा सिंथेटिक चीज यूज कर रहे और फिर वो वापस हमारे नेचुरल में जा रही है, और फिर मतलब मे बी हमें थोड़े टाइम के लिए उसको लगाने से अच्छा लगे पर उसका इफेक्ट क्या आ रहा है वो हमें देखना चाहिए कि बस हमारी छोटी सी ऐसी खुशी के लिए हम लोग पूरे एनवायरनमेंट को ही कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं. और मतलब दिल्ली में तो आप रहते हैं, आपके पास बहुत सारे पहाड़ है, कूड़े के पहाड़ मतलब नथिंग टू लाफ ऑन, बट मतलब इतनी सीरियस प्रॉब्लम है कि मतलब कल यहाँ पे इतनी अच्छी बारिश हुई और आज यहाँ पे एकदम ऐसे स्मोकी सा मौसम हो गया क्योंकि लैंडफिल में जो है वो वहाँ पे आग लगा देते हैं गार्बेज. तो ये ट्रेंड वाली बात से ये बात याद रखिए कि एक दिन ना ऐसी वो खाने की वीडियोस देखी थी इंस्टा पर बहुत सारे आती रहते हैं और उसमें मुझे ना ऐसे बहुत ही ओवर साइज वीडियोस दिखाई दी. पहले तो मुझे देख के लगा बहुत बड़े बड़े खाना बना रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब इतनी सारी वीडियोस देखने लगी फिर लगने लगे भाई तो मतलब उसमें क्या होता है कि ना कॉम्पिटिशन रख देते कहीं ना कहीं कि आप इतनी थाली है या इतना बड़ा बर्गर है अगर आप इसको इतने में खा लोगे तो आपका फ्री हो जाएगा. तो लोग खाना वो खाने तो आते हैं लेकिन फिर वो खा नहीं पाते हैं पूरा, और फिर जो वो उतना बड़ा सा वो खाने की चीज थी वो वेस्ट हो जाती है. सो आई वाज गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम और मुझे वैसी वीडियोस मिली जहाँ पे वो स्नैक बार को स्केल अप कर रहे थे ऐसी 20 गुना 50 गुना बड़ा एक बाउंटी के बार को या किट कैट के बार को. एंड वही फर्स्ट व्यू में इंटरेस्टिंग लगता है ये सारा चीज, बट मेरे को इमिडिएटली लगता है कि ये बहुत ज्यादा वेस्टफुल है. और ऐसे बोलते हैं कि मतलब कि फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे इसके साथ शेयर करेंगे, बट मुझे लगता है कि वो बहुत ही हार्मफुल मैसेजिंग क्रिएट कर रहा है बिकॉज यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम इट बिकॉज पीपल आर वॉचिंग यू, बट यू आर ऑल्सो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर एंड व्हाट यू आर प्रमोटिंग इज द आइडिया ऑफ स्केलिंग थिंग्स अप जस्ट टू गेट सम यू नो क्लाउट और अचीव सम काइंड ऑफ एस्थेटिक. तो ये काफी ज्यादा वेस्टफुल लगता है, ओवर इंटेलिजेंट. हाँ तो जैसे टीएलसी पे वो शोज होते हैं केक बेकिंग वाले कुकिंग वाले वो भी बहुत वेस्टफुल लगते हैं क्योंकि कुछ कुछ में उस दिन इवेंट होता भी नहीं है जिसमें उस फूड को जिसके लिए उस चीज को बना रहे होते हैं और फिर उसको क्या होता है मुझे पता नहीं. मैं बोल रही यार ये पूरा बहुत वेस्टफुल है. रियलिटी टेलीविजन वगैरह में जो भी मतलब रिसोर्सेज यूज करते हैं इट्स जस्ट इट्स फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स फॉर आर्ट एंड इट्स फॉर रेवेन्यू.
दैट्स ऑल. इट्स मतलब बहुत ही कम होता है जो बहुत ही अच्छा कोई इम्पैक्ट कर रहा हो नेचर पे इस चीज को लेके. ठीक है, द ओनली थिंग दैट वी नो अबाउट जो अवेयरनेस लाते हैं वो जैसे कॉस्मोस या ब्लू प्लैनेट जैसी डॉक्यूमेंट्रीज होती है जहाँ हमें पता चलता है. बट उसके अलावा सब कुछ बहुत ही कंटिन्यू मोटिव के साथ होता है. एवरीथिंग इज सो मच वेस्टफुल और इससे वेस्टफुल. ओ भाई, एक बार ना मैं वो देख रही थी, मतलब ऐसे मैंने प्रैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं ना बहुत सारे, तो एक होता है वुड टर्निंग. वो रिडक्टिव मेथड. उसमें क्या होता है, बेसिकली वुडन ब्लॉक है जैसे, और फिर उसको ऐसे एक एक्सेस पे ऐसे गोल घूमेगा और फिर उसके अंदर का जो पूरा वुड का मटेरियल है. इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस आते हैं सैटिस्फाइंग वीडियोस. ठीक है, और फिर वो पूरा अंदर का जो वुडन ब्लॉक है वो ऐसे बुरादे की तरह बाहर आ जाएगा और फिर आपको मे बी जो भी आपको फॉर्म चाहिए वो आ जाएगा. स्कल्पचर वुड से मिलता होगा कोई. और भाई मतलब इतना सारा रिसोर्स उसमें वेस्ट हो रहा है. मतलब आप एक पूरे वुडन ब्लॉक को जस्ट बिकॉज आपको सो कॉल्ड ट्रेंडी सस्टेनेबल गोल या सस्टेनेबल एक तो उसको सस्टेनेबल कैसे बोल देते हैं मुझे समझ में नहीं आता. अनयूजेबल वुडन काउंटर पार्ट्स जनरेट करते हैं जिनको फिर उनसे वही मतलब इंजीनियर्ड वुड बनता है जिसका कोई भी मतलब स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी वुड जैसा नहीं होता है. और बहुत सारे ऐसे सब्ट्रैक्टिव मेथड्स हैं जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक लगते हैं. और अब क्योंकि हमारे पास इतनी सारी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसेस भी आ गए हैं और मतलब बहुत सारे अभी भी इतने ज्यादा नहीं है इतने मतलब है बट मे बी इतने प्रेवलेंट नहीं है अभी भी. हाँ फॉर श्योर, क्योंकि मतलब रिसर्च तो चलती ही रहती है. और मतलब 10 साल पहले भी अगर आप देखोगे तो लोगों को पता था 3D प्रिंटिंग का और एक्सेसिबल था कुछ लोगों को. अब तो काफी ज्यादा एक्सेसिबल हो गया जो बेसिक प्लास्टिक वाला 3D प्रिंटिंग. हाँ, पर अब और भी ज्यादा मटेरियल्स के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का वो आ रहा है तो मे बी वो बेटर है. और मे बी अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें इतना ज्यादा वो मटेरियल यूज होकर वेस्ट हो रहा है तो मे बी वो आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो उसको बनाना. फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड दैट इज यूज्ड टू फैब्रिकेट एनीथिंग दैट यू सी. तो उसके भी दो तरीके होते हैं, मुझे लगता है कि तीन तरीके होते हैं पर्सनली, पर दो मेन तरीके होते हैं. एक होता है सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव. तो सब्ट्रैक्टिव में होता है कि आपके पास एक रॉ मटेरियल है और उसको उससे सब्ट्रैक्ट करके मतलब उसको मॉडिफाई करके भी कट करके या जो भी एक दूसरा फॉर्म देते हो तो उसका जो मटेरियल है वो उसमें से हट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है. और एडिटिव होता है उस मतलब आप ऐड करके प्रोडक्ट को बना रहे हो जैसे 3D प्रिंटिंग हो गई. हाँ, या फिर जैसे हम नॉर्मल क्ले का अगर कुछ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि मुझे लगा कि क्ले का ट्रांसफॉर्मेटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक होता है, यानी क्योंकि एक ब्लॉब है एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ न्यू थिंग. यू आर एडिंग नथिंग, यू आर सब्ट्रैक्टिंग नथिंग, बट एडिशन होता है वो एडिटिव होता है. मतलब उसमें एडिशन भी होता है, मतलब बहुत सारे तरीके के मेथड होते हैं. जैसे एक कॉइल बेंडिंग होता है मतलब, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक मतलब क्ले का पाइप जैसा बना लिया, पाइप जैसा जो कॉइल कॉइल बना लिया और फिर उसको आपने जिस भी फॉर्म में आपको लगाया था लगाया, तो वो एक एडिटिव मेथड होगा. वो एक एडिटिव मेथड होगा. तो ये बेसिक. हाँ, ये बेसिक है मैन्युफैक्चरिंग का. और इसी में वुड टर्निंग एक तरीके का टेक्निक है जो वुड को एक वुड का पीस होता है और जैसे इलाम ने बताया कि उससे खुरेदते रहते हैं ताकि एक फॉर्म हमें मिल सके. मेनली ये मिल्स करते हैं और सैटिस्फाइंग वीडियोस में दिखाया होगा कि एक स्क्वायर पीस ऑफ वुड को स्फीयर कैसे बना दिया है. इट्स वेरी वेस्टफुल एंड यू शुड नॉट गिव व्यूज टू सच काइंड ऑफ वीडियोस बिकॉज दे थ्राइव ऑन इट एंड देन दे परपेचुएट मोर वेस्टफुल एक्टिविटीज देन दैट एंड देन दे मेक यू बिलीव दैट यू कैन डू द सेम. यू कांट, इवन यू कांट अफोर्ड टू डू दैट. नन ऑफ अस कैन अफोर्ड वेस्टिंग एनीथिंग. जो मुझे भी लगता है कि इम्प्रूवमेंट एक बेटर यूटिलाइजेशन है रिसोर्स का. और इनोवेशन तो एक तरीके का गुड न्यूज है डिजाइन के लिए और humanity के लिए, because it's a kind of revolution. Like Frank Lloyd Wright, this person was an architect of modern era. It's been 100 years since Frank Lloyd Wright in his peak and then now. And I feel like if someone 100 years ago has created such a wonderful example out of their career about nature and being inclusive and one with the ecosystem, if this person can do it 100 years back, why can't we learn from that? It's just it feels like the only way his philosophy is alive within us
is in very niche community of people who are actually very enthusiastic about, you know, making design for change. जैसे फ्रैंक लॉयड राइट की जो बिल्डिंग है, आई फील लाइक दे आर एन एक्टिविज्म टुवर्ड्स पीपल थिंकिंग आर्टिफिशियली अबाउट स्टफ एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द होल कल्चर. हम एनएस हाउस को लेके अगर हम बात करेंगे, इट इज दिस फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट कमीशन इन एलए. तो बिफोर दैट ही यूज्ड टू वर्क इन पेंसिल्वेनिया और उसी एरिया में, and then someone commissioned him to make a house, the Ellis house in LA. So ye ek South American region ka part hai LA. So what he did was, he spent a lot of time researching about the cultural history of America and cultural history of the whole America, North and South combined. Aur fir uske baad the geographical history which every architect needs to do. And but he came up with this pre-British Columbian design structure which actually gave a nod to the Mayan civilization and Native American civilization that resided in America originally. So in his house mein jo motifs hai, it's a concrete block building but uska jo form hai, it's a Mayan civilization architecture ka form. And the motifs that have been used as a concrete block are representing that. And it's so beautiful, it's like his way, his architecture was his way of communicating and his way of activism. Another activism that I see in all of his work is just being one with the nature, that like I explained earlier. Any house, any building of Frank Lloyd Wright I've seen, he doesn't believe in creating artificial stuff. He thinks about house as house or a building as a place where we are just there, we are just, you know, being a part of nature and taking a refuge in it. ठीक है, तो जैसे falling water एक बहुत famous example है, there is he has made a house that feels like it's being enveloped with the nature और वो उसी का एक part है. And that is also the kind of stuff he preaches कि जो भी हमारा structure है वो nature को complement करना चाहिए. Rather than, you know, disrupt it. He never had artificial water body. He had ponds and a lot of lovely brooks that were in his location when he was building. So, but the using the natural light, using water, air, the natural condition, he designed for some countries. But jaise Japan mein ek building hai, Frank Lloyd Wright ki interior building, it's Japanese. It doesn't feel like some American person has came and then designed it. He went there, he studied their culture, he was in one with the culture and he designed like that. And that is how I think we as a designer, at least when we are growing, we should think like that. How authentic we are to the whole narrative of the thing that we are building. जैसे मतलब product design भी ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो materials वगैरह use होते हैं, जो भी use हो रहा होता है, वो process की होता है, वो होता ही है. और अब क्योंकि मैं एक वो कल्चर क्रिएट हुआ है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट होता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह लकड़ी डालें, है ना. तो हमें मटेरियल्स को भी किस तरीके से एफिशिएंटली यूज करना है जिससे कि हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो भी सॉल्व होए और हम एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करें. तो ये तो बहुत ही आसान है कहना, ऑब्वियसली किसी भी मटेरियल को आप एक ऐसे प्रोडक्ट में, जैसे फोन जैसा प्रोडक्ट है, उसमें अगर आप यूज करें तो ऑब्वियसली आप चाहोगे उसके इंटरनल पार्ट में वो सही रहे और लुक भी सही है. तो ऑब्वियसली हमें आई गेस हम तो बहुत छोटे से हैं जो ये बात बोल रहे हैं, हमने कुछ शुरू भी नहीं किया ऐसे काम करना. तो वी कैन लुक अप टू पीपल हु हैव डन दिस. आई गेस मैंने इंस्टाग्राम पे मुझे एक डिजाइनर का काम देखा था जिनका नाम सैमी ब्लू, आई डोंट नो बट वो भी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं. वो आई गेस अभी लाइटिंग फिक्चर्स वगैरह पे काम कर रहे हैं. और कैसे हम बैम्बू को एज अ मटेरियल यूज कर सकते हैं इन द कम्युनिटी, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव है कि आप कैसे एक पूरी साइक्लिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. मैं ये कि जैसे हम हमारा जो इस टाइम पे इन्वेंशन है, वो द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन.
तो नेसेसिटी थोड़ा टेक्नोसेंट्रिक हो रहा है और उस वजह से वो सारी चीजें हमारी लाइफ को डिक्टेट कर रही है. इट्स लाइक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर डिक्टेटिंग आवर लाइफ एंड हाउ टू लिव इट रादर देन मेकिंग टेक्नोलॉजी वर्क फॉर अस बिकॉज़ वी इन्वेंट इट. मतलब फिर मुझे एक लगता सोचती हूं कि अगर हम लोगों ने अपनी इतनी सारी मटेरियल्स बिल्ड कर लिया उससे भी नहीं तो बना लिया तो हम अवेलेबल मटेरियल से और क्या कर सकते हैं जिससे कि बैलेंस हो. It is, and we wanted to talk about it so for so long. And every time we talked about it, हमारा बहुत ही high pitched voice रहता था because these are the things that we don't understand. And even Royally agrees with us. It's just it's a lot. Don't you want plants like Royally to say hi to you? Or you want plastic Royallys? I don't want. It's better than the. Plastic one. If you look at her, it's like someone painted on. Or मतलब better कि मतलब तुम भी थी कि इस तरह में जीवन. Of course, हाँ. Thank you for tuning into Tarkari. We hope something resonated within you about our activism and love towards nature. And also, do let us know how you feel about this. Also, help us keeping this conversation going till the time we don't need it anymore. Thank you. Bye.